हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम बच्चे इस पे पूछते हैं, बट इन चीज़ों का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना वो लोग पूछते हैं। बट स्टिल मैं इस चीज़ को क्लियर करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये कि मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव है कि नहीं, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है कि नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं। क्वेश्चन इज दिस। तो देखो, सबसे पहले मैं एक पॉइंट रख रहा हूँ। जब भी कोई कहे कि एक फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, एक फील्ड कंजर्वेटिव है कि नहीं, मैं एक जनरल फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। एक जनरल कोई भी फंक्शन अगर कंजर्वेटिव है तो उसका डेल क्रॉस है मस्ट बी जीरो होना चाहिए। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन टू बी अ फोर्स एफ वुड बी विल बी कंजर्वेटिव। अब ये फोर्स नहीं, दिस एफ वुड बी कंजर्वेटिव, विल बी कंजर्वेटिव, मतलब इस फंक्शन की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग कि एफ जो है वो फील्ड है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि जो एफ है वो फोर्स है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि एफ क्या है, मैं इसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं कि कोई भी एक जनरल फंक्शन है, अगर वो कंजर्वेटिव है तो उसको ये करना पड़ेगा। दैट मींस, और जो इसको फॉलो करेगा वो कंजर्वेटिव होगा, नेसेसरी कंडीशन। अगला प्रॉब्लम, अगर वो कंजर्वेटिव है तो उसका पोटेंशियल डिफाइंड हो, पोटेंशियल डिफाइंड हो, एवरी कंजर्वेटिव फोर्स हैज पोटेंशियल फंक्शन, फोर्स पोटेंशियल फंक्शन होता है। अब चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड पे आते हैं। ये नेसेसरी कंडीशन। बट मान लो कभी फोर्स का फंक्शन दिया हो तब तो आप इसे निकाल सकते हो। फोर्स का ही फंक्शन ना दिया हो, या वो जो फंक्शन है उसका मतलब एक नेचर दिया हो, फंक्शन ना लिखा हो, तब फिर क्या करें, तब क्या करें? उस केस में ना हम एक बात करते हैं, ये है, देखिए ये है वेरीफाई करने के लिए। हालांकि ये वेरिफिकेशन उनमें ज्यादा अच्छा लगता है जो नॉन कंजर्वेटिव है, बट उसमें ये उतना अच्छा फिट नहीं बैठता जो कंजर्वेटिव है, क्योंकि एक पाथ नहीं है, बहुत सारे पाथ है ना। जैसे कोई कह रहा है कि फंक्शन एफ कंजर्वेटिव है, तो कोई भी क्लोज लूप लेंगे, क्लोज लूप ले लेंगे, क्लोज लूप लेंगे, तो इस फोर्स का इस क्लोज लूप के चारों तरफ, जब डीएल वेक्टर ऐसे लेके डीएल 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 डिफरेंशियल एलिमेंट का डीएल वेक्टर लेंगे, डीएल वेक्टर ये पाथ है, और ये एफ किसी भी डायरेक्शन में हो, फंक्शन है किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, अगर एफ डॉट डीएल कर रहे हैं और पूरी वैल्यू जीरो आ रही है, दैट मीन्स तुम ये कह सकते हो कि देयर इज अ चांस, अगर जीरो आ रही है तो देयर इज अ चांस कि एफ कंजर्वेटिव है, चांस अंडरलाइन है एफ कंजर्वेटिव है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि कंजर्वेटिव है, क्योंकि हो सकता है कि इस पाथ में तो जीरो दे रहा है और कोई आपने दूसरा पाथ सेलेक्ट किया और उस पाथ में ये जीरो ना दे, तब तो नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो जो डिफरेंशियल लूप बनाओ या एक बड़ा लूप बनाओ, कितने भी लूप बनाओ, कितने भी लूप बनाओ, किसी भी एक लूप में अगर नॉन जीरो आ गया तो कंडीशन मस्ट बी नॉन कंजर्वेटिव, और अगर जितने लूप रहे हो उनमें सब में जीरो आ जाए तो ये सीओटी नहीं दे सकते, देयर इज अ चांस कि वो फोर्स कंजर्वेटिव हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपने उन उन क्लोज लूप को सिलेक्ट किया जिसमें एफ डॉट डीएल की वैल्यू जीरो आ रही है, बाकी में नहीं आ रही है, तब बाकी जो पाथ था जिसमें नहीं आ रही थी वो तुमने पता ही नहीं कर पाया, तब आप क्या करोगे? द प्रॉब्लम इज दिस। तो ये दिस इज नॉट नेसेसरी कंडीशन टू बी अ कंजर्वेटिव फोर्स, अ कंजर्वेटिव फील्ड। ये कह सकते हो कि अगर ये होल्ड कर रहा है, इट मीन्स कि देयर इज अ चांस, चांस कि वो कंजर्वेटिव फील्ड हो या कंजर्वेटिव फोर्स हो, किसी एक पाथ पे सिलेक्ट कर रहे हो, तब दो पे सिलेक्ट करो, बाकी इनफाइनाइट पाथेस हो सकती है ना, तो सब पे सिलेक्ट करना कहाँ पॉसिबल है। बट दिस इज नेसेसरी कंडीशन टू बी अ फोर्स इज कंजर्वेटिव वाला। अगर ये होल्ड करता है तो फिर जितने भी पाथ तुम बनाओगे हर पाथ में वैल्यू जीरो आएगी, जीरो। तो ये कैसे इसका अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें आप
वर्क फॉर एनर्जी के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि हाउ टू अप्लाई दिस इक्वेशंस, ठीक है। बट नाउ चलो, ये एक चांस है, हम चांस ही की तो बात करने जा रहे हैं। चलो हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक में नहीं जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कुछ मैं बस कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक फंक्शन है, बस मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैथमेटिकल फंक्शन है। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को उठा के मैं यहाँ पर रखूंगा ई डॉट डी एल, तो हम पाते हैं कि ई डॉट डी एल हमेशा जीरो होता है। द रीजन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, तो ई डॉट डी एल को जीरो आना ही है, और एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस से आता है, तो ये सही में जीरो होगा। कितना भी पास इलेक्ट्रॉन होगा हमेशा जीरो है, ये दिमाग कह भी रहा है हाँ जीरो आएगा। तो अगर ये जीरो है, दैट मींस कि एक चांस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस ई के फंक्शन पे ये भी होल्ड करता है, डेल क्रॉस ई इज जीरो। दैट मींस आप ऐसा एक नहीं, आप यहाँ पे जितना भी पास सेलेक्ट करेंगे क्लोज पाथ सब में जीरो आएगा, जो कि कंफर्म करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है क्यू इंटू ई, उसको उठा के मैंने यहां पर दिया क्यू इंटू ई डॉट डी एल, डॉट डी एल यहां पर दिया। अब ये भी जीरो आएगा, क्यों? क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी बाहर आ जाएगा, और ई डॉट डी एल ऊपर जीरो है तो नीचे भी जीरो। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब आते हैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव फोर्स बोलने के बाद, जो उसका बेसिक नीड है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। अच्छा लग रहा है, यस ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। हाँ होता है, होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, लेकिन द वर्क इज मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो अब अगर मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड का इन जनरल हमारे पास कोई फंक्शन होता नहीं है जिसमें डेल क्रॉस एफ की वैल्यू में प्लेस करके चेक करो। हालांकि अगर कोई फोर्स रखोगे अभी समझ में जाएंगे कि ये जीरो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अब इन जनरल कोई फंक्शन हमारे पास है नहीं। बट चलो हम बात करते हैं फील्ड के, अभी मैग्नेटिक फील्ड एक कंजर्वेटिव है। चलो बी डॉट डी एल की बात। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक क्लोज लूप बनाते, एक क्लोज लूप बनाते, तो मैं इस क्लोज लूप के थ्रू बढ़ना चाहता हूँ, इस क्लोज लूप के थ्रू। अगर डिफरेंशियल में डीएल लूँ, डीएल 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 डीएल, तो फिर अगर मैं ऐसे मूव करूंगा तो डीएल वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन आ रहा है, तो बी डॉट डीएल क्लोज लूप में जीरो तो नहीं हुआ। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए मुझे, मैंने एक ऐसा पाथ पता कर लिया, एक ऐसा, भाई कुछ और भी पाथ हो सकते हैं जिसमें जीरो आ जाए, जैसे कि ये पाथ फील्ड के डायरेक्शन में है, तुम उसके परपेंडिकुलर जाओ बी डॉट डीएल आ गया जीरो, परपेंडिकुलर सर्कुलर परपेंडिकुलर एक पाथ सेलेक्ट कर लो उससे बी डॉट डीएल जीरो आ सकता है। बट मैंने एक पाथ ये भी तो पा लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाती है, तो उसी लूप के चारों तरफ मूव कर जाओ, देखो बी डॉट डीएल जीरो आ रहा है। दैट मीन्स देयर इज अ पाथ, देयर इज अ पाथ अंडरलाइन अ एट विच बी डॉट डीएल इज नॉट जीरो। तो जब बी डॉट डीएल जीरो नहीं है तो वाई मैग्नेटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, तो मैग्नेटिक फील्ड एक नॉन कंजर्वेटिव। बट अभी क्वेश्चन मार्क है, फील्ड का भी फोर्स की बात करनी बाकी है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, क्योंकि एक पाथ मैंने ऐसा सेलेक्ट कर लिया जिससे बी डॉट डीएल जीरो नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में था। तो यहां तो चीजें सेम चली गई, बट यहां पे आप सेम नहीं बोल सकते हो, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो चार्ज पार्टिकल पे क्यू वी क्रॉस बी होता है। इसका मतलब फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। अब चलो, अब हम बात करना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, इंपॉर्टेंट वर्ड। देखो, जो कंजर्वेटिव होने का बेसिक सिग्निफिकेंट है, एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव, एंड इफ फील्ड इज कंजर्वेटिव तो पोटेंशियल डिफाइन होता है। हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए कोई पोटेंशियल डिफाइंड नहीं करते,
नॉन कंजर्वेटिव चल, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, यस ई डॉट एल माइनस ई डॉट एल। अब फोर्स की बात करने जा रहा हूं, क्वेश्चन है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, तो अभी थोड़ा बात तो समझना पड़ेगा क्या बोलने जा रहा हूं। अब बात आती है कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वर्कडन की बात करते हैं, वर्कडन की बात करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स का वर्कडन कितना होता है? आंसर इज जीरो। मैग्नेटिक फोर्स का वर्कडन जीरो होता है, दैट मीन्स कि पोटेंशियल जाएगी नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को डिफिनेशन में आता है माइनस ऑफ वर्कडन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का वर्कडन इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो, तो पोटेंशियल जी का चेंज हमेशा जीरो, दैट मीन्स पोटेंशियल जी डिफाइंड ही नहीं हो पा रहा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोटेंशियल जी? यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की पोटेंशियल जी हम डिफाइंड नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। अभी एक अभी बात में, अरे सर तो पोटेंशियल जी क्या होती है? माइनस एम डॉट बी। बताता हूँ वो क्या होती है, माइनस एम डॉट बी, ठीक है। बट अभी इसे देखो, मैग्नेटिक फोर्स का वर्कडन जीरो आ रहा है, ये सच्चाई है। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पे लगते हैं, सिर्फ चार्ज पार्टिकल पे लगते हैं, और वो फोर्स उनकी वेलोसिटी के पर्पेंडिकुलर होते हैं, दैट मीन्स वर्कडन इज ऑलवेज जीरो। देन पोटेंशियल जी नो डिफाइंड, देर इज नो मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नो मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्कडन इज ऑलवेज जीरो। अब जब वर्कडन हमेशा जीरो हो जाए, हमेशा जीरो हो, तो क्या मतलब है भाई इसका? मतलब अगर कोई भी एक डिफरेंशियल एलिमेंट सिलेक्ट करते हो इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाके, हर कहीं भी हर छोटे छोटे एलिमेंट पे वर्कडन जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो क्या मतलब है इसको? कोई क्या बोले कि कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? भाई नॉट जीरो होता एक तरह से बोलते कि नॉन कंजर्वेटिव, बट यहां पे तो प्रॉब्लम ये आ गया कि क्या बोले, द क्वेश्चन क्लियर है कि इसके विषय में ये बोलना, मैग्नेटिक फोर्स के विषय में ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, ये गड़बड़ होगा। क्योंकि कोर बेसिक पे जाओ ना, बेसिक वर्ड इज द कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? द पोटेंशियल इज डिफाइंड कर, हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की पोटेंशियल तब डिफाइन करें ना जब वर्कडन आए, वर्डन है, वर्डन आती नहीं, जब वर्कडन आने वाला ही नहीं है तो हम इसको कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, स्टॉप इट, नहीं कह सकते। तो मैग्नेटिक फोर्स के विषय में कुछ भी कहना है कि वो कंजर्वेटिव है कि नहीं, ये गड़बड़ है, तो कुछ नहीं कह सकता। वी कांट से दैट मैग्नेटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। नाउ द मेन पार्ट इज कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वो टर्म्स क्या है, थोड़ा सा बातों को समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का टर्म्स होता है क्या। देखो ये होता है, मैं ये कह रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, सपोज करो एक इंडक्टर कॉयल है, ये इस पे एक रॉड रखा हुआ है, ये इंडक्टर कॉयल है, ये पूरा दिखा दिया, और इसमें करंट मैंने ऐसे दिखा दिया, सपोज करो ऐसे दिखाओ, द करंट इज आई, और मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अब यहां पे जो इस किसी टाइम पे इस रॉड की वेलोसिटी लेट भी है, मुझे बताओ अगर मैं इस रॉड को अपने हाथ से जस्ट वेट करूं, कुछ बातों को समझें, इस रॉड को अपने हाथ से पकड़ के रखा हूं तो इसके पास कैंडिडेट जी नहीं आएगी, और ये करंट आई इसमें ऐसे मूव करता रहेगा, मूव करता, करंट कांस्टेंट रहेगा, और इस रॉड पे मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, दैट इज आई एल इन टू बी। अगर ये वाला लेंथ एल है, एल है, तो इसमें फोर्स लगेगा आई एल इन टू बी, आई एल इंटू बी, करेंट आई एल इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी का फोर्स लगेगा। अब अपन हाथ हटा दो तो ये रॉड इधर भागने लगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगे, एक्चुअली इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है,
इस इंडक्टर की एनर्जी जो कम हो रही है वही इसकी काइनेटिक बढ़ा रही है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं, देखना यहां के इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करता हूं और मैं तुम्हें बताता हूं कि पोटेंशियल का टर्म्स किसके वजह से आ रहा है। तो अगर किसी टाइम पे मान लो इसकी वेलोसिटी भी है, यहां का जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की एक स्पीड भी ये होगी, एंड दूसरा चूंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ड्रिफ्ट स्पीड नीचे की ओर होगी बी डी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट नेट वेलोसिटी होगा, भी नहीं होगा। अब मैं मैग्नेटिक फोर्स निकालना चाहता हूं इस वेलोसिटी की वजह से। देखना भी क्रॉस भी, भी ऐसे है, अब भी अंदर है तो भी क्रॉस भी नीचे आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर दिखाओगे ऊपर, तो एक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे आएगा दैट इज क्यू भी इंटू बी। ये फोर्स F1 आ गया जो कि इसके वजह से डेवलप हो रहा है इस वेलोसिटी की वजह से, और इसकी वजह से क्यों भी क्रॉस भी, भी क्रॉस भी थंब इधर आ रहा है तो फोर्स इधर लगेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ऐसे ऐसे, और वो लगेगा क्यू भी डी इंटू बी। अच्छा इस फोर्स और इस फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आता है, परपेंडिकुलर F1, और ये परपेंडिकुलर आ गया इसके, तो कोई पूछे इसका वक्र, इसी का वर्णन जीरो होता है। अब देखें अच्छा ये जो फोर्स है वो इस इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में है, ये फोर्स तो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, इस पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है, तो जो पॉजिटिव वर्क कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस भी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पे ये भी फोर्स है, ये फोर्स निगेटिव वर्क कर रहा है क्योंकि फोर्स इधर है और ड्रिफ्ट स्पीड इधर है, उधर तो निगेटिव वक्र। अब वक्र बराबर आएगा, देखो इस फोर्स में इस फोर्स से इस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ई भी डी बी इंटू भी बना, और इस फोर्स को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ई भी डी भी इंटू बी बना, एकदम बराबर है, बट साइन अपोजिट, नेट वर्क जीरो, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, वो ड्रिफ्ट स्पीड भी डी से घूमता ही रह गया। तो जितना इस फोर्स ने प्लस वर्क किया उसने इतना माइनस वर्क किया। अब मैं थोड़ा इस फोर्स पे इंटरेस्टेड हूँ, इस फोर्स पे इंटरेस्टेड हूँ। अब मैं इस पूरे रॉड पे एक इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैं नेट फोर्स इस रॉड पे निकालना चाहता हूँ, इसी का सिग्मा समेशन करना पड़ेगा। तो जब तुम इसका सिग्मा समेशन करोगे ई भी डी इंटू बी का, पता है इसी फोर्स का सिग्मा समेशन जो इस डायरेक्शन का आ रहा है वो कन्वर्ट हो जाता है आई एल इंटू बी। अगर इस पूरे रॉड पे तुम इस फोर्स का सिग्मा समेशन लगा दो, हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल के सबको जोड़ दो, तो आई एल इंटू बी में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा ये क्या पता? अब ये जो फोर्स है कायदे से वो इस रॉड के वेलोसिटी के डायरेक्शन में, रॉड के वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो ये आई एल बी का फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होता है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू रॉड पे ट्रांसमिट हो जाता है, क्योंकि रॉड को छोड़ के तो इलेक्ट्रॉन हवा में जा नहीं सकता, तो जब जा नहीं सकता हवा में तो जो फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है एक्चुअल में वही फोर्स इस रॉड पे लगता हुआ नजर आएगा, लगता हुआ नजर आएगा। ठीक है देखो भाई ये इलेक्ट्रॉन का सरफेस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की बात करते भाई इस वाले पे फोर्स ई भी डी का इधर लगा इधर लगा, अभी सरफेस नहीं निकल निकल पाएगा, ये सरफेस इस पे इतना फोर्स इधर लगाएगा ताकि अगर ये इसके बराबर फोर्स लगा रहा है तो इस रॉड के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऐसे आएगा, तो ये जो फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है वो कायदे से ट्रांसमिट होकर रॉड पे आ गया, रॉड पे आ गया। तो जो आई एल बी का फोर्स होता है वो तुम रॉड पे दिखाते हो, याद करो तुम रॉड पे दिखाते हो, जो कि इलेक्ट्रॉन के थ्रू ट्रांसफर होकर रॉड पे मिल जाता है आई एल बी का फोर्स। अब मुझे ये बताना आई एल बी का फोर्स इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर होकर रॉड पे मिलता है। अब एक और जो वर्कडन इस आई एल बी का होता है एक्चुअल में वही वर्कडन इसका भी होता, वही वर्कडन इसका भी होता। तो इस रॉड की अगर एबीडी बनाओगे तो कहोगे कि सर आई एल बी जो है वो इस रॉड की कंटिन्यूटी बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। तो इस ई भी डी इसका जो वर्कडन है वो भी के डायरेक्शन में है तो भी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की वो वेलोसिटी जो इस रॉड के साथ साथ इधर है वो स्पीड बढ़ेगी ग्राउंड फ्लोर में, ऑफकोर्स बढ़ती है, वो भी बढ़ती है। अब
तुम पोटेंशियल डिफाइन किसे करते हो, तुम पोटेंशियल इस फोर्स को डिफाइन करते हो। याद करो जो एम क्रॉस बी लगाते हो, एम डॉट बी लिखते हो माइनस एम डॉट बी, उस एम एन आई ए होता है, आई के साथ आता है। तो जो भी उसकी पोटेंशियल डिफाइन करते हो, जिसने भी डिराइव किया होगा माइनस एम डॉट बी, वो याद करे आप उसकी पोटेंशियल आई एल बी से डिराइव करते हो, आई एल बी के वर्डन से या आई एल बी के टॉप के वर्डन से डिराइव करते हो, आई एल बी से, वो तुम इससे डिराइव करते हो न कि इस रिजल्टेंट से। इसका मतलब माइनस एम डॉट बी जो आ रहा है, देखो ये बता अभी गवर्ड भी करेगा भाई, आई एल बी इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर, बर्डन पॉजिटिव, तो कैंडिडेटी बढ़ गई, बढ़ रही है, तो ऑब्वियस भी तो है, कंजर्वेटिव फोर्स पार्टी वर्क कर रहा है, दैट मीन्स पोटेंशियल घट रही है, दैट मीन्स कैंडिडेटी बढ़ रही है। तो जब भी इस रॉड की में की बात होगी, रॉड की बात होगी, तो रॉड पे तुम मैग्नेटिक फोर्स को दिखाओ या मैग्नेटिक फोर्स की पोटेंशियल की बात करो, दोनों सेम थिंग्स है भाई, पोटेंशियल घट रही है, मैग्नेटिक फोर्स की पोटेंशियल घट रही है, दैट मीन्स रॉड की कैंडिडेटी बढ़ रही है। तो तुम इस आई एल बी की पोटेंशियल की बात करते हो न कि रिजल्टेंट की बात करते हो। तो ये इसकी जब बात करोगे तो पोटेंशियल टर्म आएगी। तो कोई क्या कि सर क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है, यस आई एल बी का टर्म तुम बोलते हो कंजर्वेटिव, आई एल बी का टर्म कंजर्वेटिव बोलते हो न कि रिजल्टेंट फोर्स को तुम कंजर्वेटिव बोलते हो। ये रिजल्टेंट का वर्डन हमेशा जीरो है, तो क्या कहोगे इसका कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, इसके पीछे कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। जिसका पोटेंशियल कैसे डिफाइन करोगे, एफ नेट की पोटेंशियल नॉट डिफाइंड, पोटेंशियल इज ओनली डिफाइंड फॉर आई एल बी, हैंस यू ओनली से, और यही मैग्नेट के भी अंदर है, माइनस एम डॉट बी तो तुम करते हो ना, माइनस एम डॉट बी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर लूप बनता है उसके अंदर, मैग्नेट के अंदर वो जो करंट फ्लो करता है उसकी तुम पोटेंशियल की बात करते हो न कि रिजल्टेंट की बात करते हो, ठीक है। तो तुम सिर्फ आई एल बी की पोटेंशियल की बात करते हो, इससे हम ये नहीं कह सकते कि मैग्नेटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो यहां पे कुछ पॉइंट्स मैं बता दूं तुम्हें, फर्स्ट कि मैग्नेटिक फील्ड तो किसी भी हालत में कंजर्वेटिव नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स के विषय में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जिसका वर्डन हमेशा जीरो है वो क्या चेंज करोगे। मैग्नेटिक फोर्स एक तरह से एजेंट का काम कर रहा है कि इधर से पैसा लिया उधर को दे दिया, तो फिर ये नहीं है। हाँ मैग्नेटिक फोर्स का, तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स के विषय में कुछ नहीं कर सकते, ये कंजर्वेटिव है कुछ नहीं है, ना कंजर्वेटिव ना नॉन कंजर्वेटिव, मतलब इस पर क्वेश्चन करना ही बेकार है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो हम पोटेंशियल की बात करते हैं माइनस एम डॉट बी, एक्चुअल में वो आई एल बी के वर्डन की बात करते हैं। तो इसीलिए जब रॉड की एबीडी बनाई जाती है तो उसमें जब तुम आई एल बी दिखाते हो, रॉड की एबीडी में सिर्फ आई एल बी दिखाया जाता है न कि इलेक्ट्रॉन का नेट फोर्स दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसमें दो डायग्राम बनते हैं, एक रॉड का अलग बनाया जाता है और एक इस लूप का अलग सर्किट डायग्राम बनाया जाता है। तो रॉड पे जो आई एल बी आता है, आई एल बी इसकी पोटेंशियल आती है, देखो डिफाइन कर रहा हूँ इस रॉड इसकी पोटेंशियल दी, देखो मान लो किसी टाइम पे, और यही आता भी है, देखना किसी टाइम पे स्पीड भी है तो डीटी टाइम में ये जो दूरी तय करेगा वी डी टी, तो वर्कडन क्या आएगा मैग्नेटिक फोर्स का, आई एल बी इंटू वी डी टी, मैग्नेटिक फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आई एल बी इंटू वी डी टी, वर्डन आ गया। वर्कडन प्रोटिव किया तो पोटेंशियल डिक्रीज करनी चाहिए, करेंगे देखो आ भी रहा, और यही एम डॉट बी आ रहा है, ये जो है ना आई को आई रहने दो, एल इंटू वी डी टी को एक पास कर दो और बी को अलग कर दो। अब देखो आई एल ये पूरा पूरा एरिया है, देखो ये वाला लेंथ एल है और ये वी डी टी, तो ये जो चेंज हुआ एरिया का, ये चेंज इन द एरिया, ये एरिया का चेंज है बेसिकली, ये आई इंटू डेल बन रहा है और इंटू बी बन गया इज इक्वल टू डी यू। तुम देखना ये आई इंटू डेल्टा आई, एक तरह से देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का चेंज है, मैग्नेटिक मोमेंट का चेंज है। तो कायदे से ये पोटेंशियल का टर्म कोई पूछे तो माइनस एम इंटू बी ही तो बना हुआ है, माइनस एम इंटू बी ही तो बना हुआ है। और एक और बात बताता हूं, माइनस एम डॉट बी का टर्म कैसे आ रहा है तुम समझ सकोगे, हालांकि यही बात समझ में आ गई होगी, इसको तुम फिर भी दिखा सकते हो, देखो ज्यादा बेटर बोल, इनिशियल पोटेंशियल को जीरो मान लो, इनिशियल पोटेंशियल जीरो मान लो, तो फाइनल पोटेंशियल क्या बनेगी, आई इंटू फाइनल एरिया कम आया है ना, फाइनल एरिया कम आया और इनिशियल एरिया ज्यादा था, तो ये डेल्टा ए ना निगेटिव बन जाएगा आई थिंक, क्योंकि एरिया कम आ रहा, एरिया कम, तो आई इंटू डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा यू बनेगा अगर डेल्टा ए पॉजिटिव क्वांटिटी है तो,
अगर मैग्नीट्यूड की तरफ से ट्रीट करते हो तो एक तरह से आ ही रहा है ना कि डेल्टा यू इक्वल्स टू आई इंटू एरिया, तो एन आई ए वही लिखते हो। तो तुमने देख लिया कि जो एन आई ए का टर्म दिखाते हैं प्रोड्यूसर जी के टर्म में वो किसी और का नहीं टर्म्स है, वो आई एल बी के वॉल्यूम के बेस पर। तो हियर यू कैन से दैट द कंपोनेंट ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रोड्यूसर, ठीक है, न कि नेट मैग्नेटिक फोर्स की बात। ओके, तो आई थिंक कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, बट मैग्नेटिक फोर्स के विषय में कुछ नहीं कह सकता कि कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। और जो मैग्नेटिक प्रोड्यूसर जी आ रही है वो मैग्नेटिक फोर्स के एक कंपोनेंट की वजह से आ रही है, बट इट्स